परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम खदोदी महाराज की जय हो। सच्चिदानंद सीताराम भगवान की जय हो। मैं सुरेश कुमार शर्मा श्री महाराज मीडिया चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कृपया ध्यान से सुने। प्रिय भक्तों, राम के नाम का अद्भुत रहस्य है। राम का नाम केवल नाम ही नहीं, ये नाम सभी विद्याओं, सभी ज्ञान, सभी सिद्धियों को देने वाला नाम है। प्रिय भक्तों, केवल एक नाम राम, बाकी सब मोह माया है। इस संसार के माया जाल में फंसते जा रहे हैं और सत्य को भूल रहे हैं। इस माया जाल के कारण इंसान राम नाम की शक्ति को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। राम नाम की कितनी महिमा है, ये मैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय भक्तों, एक बार एक तपस्वी सिद्ध संत प्रवचन दे रहे थे। वहाँ पर कई भक्त लोग प्रवचन सुन रहे थे। एक भक्त ने महाराज से पूछा, हमें भी कोई बढ़िया सा मंत्र दो। महाराज ने कहा, राम राम जपो। भक्त ने कहा, ये कैसा नाम, ये तो बहुत ही सहज सरल है, ये तो सभी संत लोग बताते हैं, मुझे तो कोई बढ़िया मंत्र दो। महाराज ने कहा, ये बढ़िया है, इसी राम नाम में सब है। लेकिन भक्त जिद करने लगा, मुझे तो कुछ बढ़िया सा बताओ। महाराज समझ गए भक्त की अज्ञानता को, इसे टेढ़ा रास्ता बताना होगा। संत ने भक्त से कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो कि रामचरितमानस और भगवद गीता को पढ़ो। भक्त ने एक वर्ष में दोनों शास्त्रों को पढ़ा, ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर महाराज ने कहा, वेदों का अध्ययन करो। भक्त ने 3-4 वर्ष में वेदों का अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया। फिर महाराज ने कहा, सभी पुराणों, उपनिषद व अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने को बोला। भक्त ने फिर 3-4 वर्ष में सभी पुराणों व शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके महाराज के पास आया। भक्त अब संपूर्ण ज्ञान से भरा हुआ था। महाराज ने कहा, तुमने सारे वेद, पुराण, भगवद गीता, रामचरितमानस को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुमने बहुत ही कठोर परिश्रम करके अध्ययन किया, बताओ तुमने इन सभी शास्त्रों में क्या पाया। भक्त जो अब विद्वान हो चुका था, भक्त ने कहा, मुझे सभी ग्रंथों का ज्ञान है, इन सभी ग्रंथों का सार राम नाम है। और भक्त राम नाम का जप करने लगा। प्रिय भक्तों, महाराज ने भक्त से कहा, यही नाम तो मैंने तुझे बताया था, तुमने व्यर्थ ही 7-8 वर्ष बिता दिए, व्यर्थ में ही बिता दिए। अगर तुम मेरे कहने पर शुरुआत से राम नाम का जप करते तो ये सारे वेदों का ज्ञान, मानस का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, पुराणों में सभी शास्त्रों का ज्ञान 1-2 वर्ष में ही प्राप्त कर लेता। सभी शास्त्रों का ज्ञान राम नाम जप से स्वतः ही आ जाता। प्रिय भक्तों, सभी शास्त्रों का अध्ययन के बाद भक्त को एहसास होता है, सभी ग्रंथों का सार राम नाम है, यही सत्य है। अतः हमें भी भटकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर राम नाम का जप करना चाहिए। सभी सिद्ध संतों ने ऐसा ही किया है। जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोदी महाराज की जय हो। सच्चिदानंद सीताराम भगवान की जय हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर जरूर कर देवे। जय श्री राम।